आज हम बनाएंगे स्पेशल स्ट्रॉबेरी शेक, जिसको बनाना भी बहुत आसान है और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। ये गर्मी को दूर करता है और तबीयत को फ्रेश करता है और इसके साथ साथ खून की कमी को भी पूरा करता है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह बनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रियाज किचन। स्ट्रॉबेरी शेक बनाने के लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए जस्ट हमें चाहिए 200 ग्राम स्ट्रॉबेरी, 4 टेबलस्पून शुगर और 1 लीटर दूध। अब हमने इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है। सबसे पहले हम स्ट्रॉबेरी डालेंगे। हम स्ट्रॉबेरी को पानी में भी ग्राइंड कर सकते हैं और दूध में भी, जिस तरह आपको मुनासिब लगे। अब इसमें 4 टेबलस्पून चीनी के ऐड कर देंगे और मैं पानी की जगह पर दूध यूज़ करूँगी, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा दूध डालकर पहले हम इसको ग्राइंड करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आपने इसको ग्राइंड करना है, ताकि कोई भी ज़र्रा बाकी ना रहे और अच्छी तरह स्ट्रॉबेरी ग्राइंड हो जाए। यहाँ 5 से 7 मिनट हो चुके थे। अब मैंने दूसरा दूध भी इसमें शामिल कर दिया है, जो बचा के रखा हुआ था। अब सारा दूध इसमें डालकर 2 मिनट तक फिर ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, हमारा शेक रेडी हो चुका है। अब हम इनको ग्लासेस में डालकर सर्व करेंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये शेक बहुत ही कमाल का रेडी होता है। अब हम इस शेक की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए स्ट्रॉबेरी के 2 पीसेस करेंगे और 1 by 1 दोनों ग्लासेस में रख देंगे, जिससे इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो जाएगा और पीने वाला बहुत खुशी के साथ पिएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।